ये रहा ओम का गिफ्ट भाई, ये गिफ्ट तेरे लिए भाई। ये तो क्रिकेट किट है भाई। Hey guys, welcome back to a new vlog. तो guys, पिछले vlog में आपने देखा कि भैया जी मैंने ले ली है क्रिकेट की किट जो कि रखी है पीछे। और इसके अंदर क्या क्या सामान है वो देखना आप घर चल के। तो सबसे पहले हम करेंगे इस किट की पैकिंग और देंगे ओम को सरप्राइज और घर में रिएक्शन लेंगे भाई कितनी महंगी किट ले आया हूं मैं। बिना बताया किसी को भी मैंने घर में नहीं बताया कि मैं ये ले आया हूं। तो इसको पैक करेंगे और घर चलेंगे और लेंगे रिएक्शन ओम भाई के। चलो भैया निकलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया भाई, रात के बच्चे को 9:30। तो घर चलो भैया, गाड़ी हो जाए स्टार्ट। अंकल जी पहचाना, यूट्यूबर, नमस्ते, कैसे हैं अंकल जी? एक पैकिंग करनी थी, हो जाएगी? क्या है लाओ। बड़ा सामान, लेकिन कितना बड़ा है सामान? बड़ा है, कम से कम 2 फुट का होगा। निकालो। लाऊं भाई, रात के 10 बज चुके हैं और अब पैकिंग करा रहा हूं मैं। ये है भाई साहब सामान तो अपना। अंकल जी ये सामान है, ये कर दो पैक आप। अरे ये अंकल कर दो रिक्वेस्ट आपसे प्लीज। इसका बैट निकाल दूं मैं? बैट तो निकालना ही पड़ेगा आपको। बैट निकाल देता हूं मैं से। ये करने ही नहीं देगा बैट हमें पैक। अब हो जाएगा, देखते हैं इसको, कर देंगे इसको। तो भाई यहां पे अपनी किट पैक हो रही है। अपनी किट अभी जो अपना किट बैग है ना गाइस, वो हो चुका है रेडी, मस्त अपना पैक हो चुका है। अंकल जी ने पैक कर दिया मस्त तरीके से। तो बस अब देंगे भाई साहब ओम भाई को सरप्राइज, तो निकलते हैं। और ये छुप रहा है भाई, ये कैमरे में नहीं आ रहा है। तो गाइस इसका भी 12th बोर्ड हो चुका है, तो ऑल द बेस्ट भाई, टॉप मारना है इस बार। अपना गिफ्ट आ चुका है गाड़ी में, बैट अलग से कर दिया मैंने, और बस अब निकलते है फटाफट से। पहले भाई साहब बैग निकाल दो वरना ओम देख लेगा। बैग बोल रहा हूँ यार, बैट सॉरी, क्योंकि बैट अलग है ना। तो बैट निकाल दो और बैट रख दो यहाँ पे। मम्मा खोलो, पापा और मम्मी यहाँ पे बैठे हुए मस्त। और ओम भाई तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तेरे लिए गिफ्ट लाया भाई, आ जा गिफ्ट भाई। ये रहा ओम का गिफ्ट भाई, ये गिफ्ट ओम भाई तेरे लिए भाई। ये तो बहुत भारी भरकम है। ये गिफ्ट ओम का नाम है बाबा, ये गिफ्ट है ओम का, ये गिफ्ट ओम भाई। देख क्या लिखा इसमें, देख, दिव्यांश पांडे तेरा बड़ा भाई। आपने तो गिटार दे दिया था। पहले गैस पहले मम्मी गैस करेंगी कि इसमें क्या है, बताओ। ट्रेवलिंग बैग, आप बताओ। हाँ, वेट कितना इसका? वेट, अरे भाई बैठ के बताओ, वेट इसका है? पहले वेट चेक करता हूँ। बैग तो है, बैग है। अरे यार बैग है यार। ओम बता तू क्या है? हाँ गैस कर कुछ। ये बैग है, लेकिन बैग के अंदर है कुछ। क्या है बैग के अंदर बता, पक्का बोल, क्या है इसके अंदर? बैग के अंदर गैस कर भाई तगड़ा। जूते? एक चीज बोल, मम्मी ने बोला है बैग है, पापा ने बोला है बैग है, और तू बता। कॉस्ट्यूम वगैरह होगा कुछ? कॉस्ट्यूम पहनने का, ऐसे टाइप का, मतलब उठा ले, वॉकिंग कर ले बेटा। हैं? पता नहीं क्या है यार, खोल ले यार, चल खोल ले। ये तो क्रिकेट किट जैसी लग रही है भाई। अबे ये तो क्रिकेट किट है भाई, चेक तो कर ले क्या है इसके अंदर। ओ भाई पैड, बैट रखेगा, जर्सी, जूते रख रख के सारा ना संभाल के थक गया हूँ, फिर रुका ही है। ओ भाई साहब, एल्बो सपोर्टर, अबे क्या है, छोटी छोटी चीजें इसमें तो, ग्लव, जर्सी, एल गार्ड,
बैट नहीं है यार, जब मैं चीजें बैट लाई नहीं, बैट बॉल भी होगा बाहर रखा हुआ है नीचे आ जा, बैट बॉल भी है अभी, इतना पैसा कैसे आ रहा आपके पास? मैंने तो एक चीज मांगी थी, तो बहुत सारी चीज आ रही है। तीन साल मैंने को 1 रुपए की बॉल और 5 रुपए का बैट दिया था। भाई पढ़ रहा है क्या? पढ़ रहा है भाई, ज्योग्राफी पढ़ता है। गिफ्ट लाया हूँ, गिफ्ट लाया गिफ्ट हमारा लॉकडाउन में। तो भाई अब मेरा भाई आ चुका है और फिर दिखाते हम गिफ्ट, इसको हम इसका गिफ्ट दिखाते हैं। ये तेरा गिफ्ट है सामने। दूर भिगी है, दूर भिगी। हाँ दूर भिगी मिल गई यार, मजा आ गए नहीं यार। कंपनी का है एसजी का है बैटरी का 4000 रुपए का बैट है वो। अब पापा मुझे ऑफ कैमरा मारने वाले हैं, वो तगड़ा वाला। तो भाई अपने लिए और ओम के लिए मैं लिया हूँ किट, जो कि भाई हम दोनों पहन के खेलेंगे मस्त क्रिकेट। एक जर्सी ओम की है, एक जर्सी मेरी है। और भाई साहब मजा आ गया है भाई, क्या बोलता है भाई? क्या बोलूं भाई, पापा क्या बोलते हो आप? पापा के होश उड़ चुके हैं भाई। अब देखो भाई कहाँ से आ रहे हो? मैं नेतागिरी। नेतागिरी कर रहे हो अब आप? मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली बेटा आज से। नहीं यार ये देख रहा, तो मतलब अब से आप नेतागिरी कर रहे हो? आज से न्याय भी हम करेंगे और अन्याय भी हम करेंगे, फैसले भी हमारे होंगे, अदालत भी हमारी होगी। ओ भाई साहब, मम्मा आपको गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा लगा। पता है गाइस, एक बार की बात है, मेरे स्कूल में मैंने डीवी से पढ़ा है, तो डीवी नेशनल्स के ट्रायल्स चल रहे थे क्रिकेट के, तो मैंने ट्रायल्स दिए एंड ट्रायल्स देने के चक्कर में भाई साहब एक बच्चे ने, क्लास 12th के बच्चे ने मेरे हाथ में ऐसी बॉल मारी, मैं था क्लास 9th में, उसने ऐसी बाउंसर मारी कि मेरी उंगली में लगी और उंगली टूट गई, मेरी पूरी उंगली फ्रैक्चर हो गई भाई साहब, मेरी उंगली टेढ़ी हो गई। इतना रोया, बट मैंने शॉट्स मारे, छक्के चौके डिफेंस करा एंड ट्रायल्स दिए। ये आज थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट फाइनली ट्रायल्स के बाद जब सब बच्चों के ट्रायल्स हो चुके थे, सब ने अपनी बैटिंग बॉलिंग कर ली थी, तो बस एक ही आज थी कि भाई उंगली टूट चुकी है, अब बस यार सिलेक्शन टीम में हो जाए ताकि लगे कि हाँ अपन भी टीम में खेले, डीवी नेशनल्स के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन जो भी मतलब ये था कि मतलब भले मैं ना खेल पाऊँ, लेकिन ये हो जाए कि बस मैं सिलेक्ट तो हो गया हूँ टीम में। लेकिन ट्रायल्स के बाद सर ने सब बच्चों को बुलाया और कहा कि जिनके पास किट नहीं है वो हाथ खड़े करो। मैंने अपने हाथ खड़े करे और सर ने बोला सीधे कि जिनके पास किट नहीं है वो क्लास में जाओ, तुम लोग नहीं खेलोगे बिकॉज तुम्हारे पास किट नहीं है, तो पहले किट लेकर फिर खेलना। भाई सोच, मेरे पास किट नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं खेल नहीं पाया। सोच तेरे बराबर था मैं जब मैं क्रिकेट खेलने के लिए गया था, अपनी हाथ की उंगली तोड़ के लाया था और मेरे पास किट नहीं थी, और आज तेरे पास किट है। पीछे मुड़, ये देखो भाई, प्योर किट है भाई साहब, एसजी की किट। तो गाइस एक सपना पूरा कर लिया मैंने, अपनी लाइफ का एक ड्रीम पूरा कर लिया है कि मैंने किट ले लिया भाई। उस टाइम पर अगर मेरे पास किट होती ना भाई, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था आज, डीएवी नेशनल्स खेल रहा होता भाई। लेकिन भाई चलो कोई बात नहीं भाई, डीएवी नेशनल्स खेल रहे होते लेकिन क्या पता उसके बाद घर भी बैठे होते, तो कुछ नहीं कह सकते ना भाई। ऐसा थोड़ी कि डीएवी नेशनल खेला होता तो आप इंडिया भी खेल जाते। तो भाई अभी जो मिले उसमें खुश रहो, और क्रिकेट किट आई है, अभी बहुत कुछ और भी आएगा, नेट्स लगवा देंगे गाइस घर में, स्टेडियम बना देंगे,